सो गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पर। अभी मॉर्निंग का 7 बज चुका है, बढ़िया से दोनों भाई उठ चुका हो। रात को काफ़ी बढ़िया नींद आया था और आप लोगों को पता ही होगा रात को थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुआ था, हम कहीं और रहना चाहता था लेकिन पीछे आने पड़ा हमें रात को। और जो भी हो, सोचा था रात को वीडियो एडिट करके सोऊंगा लेकिन हो नहीं पाया, थक गया था फिर सो गया। और अभी जल्दी जल्दी एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ और आज जितना हो सके जल्दी यहाँ से निकल के जाना है हमें सोमनाथ की ओर। यहाँ से करीब 65 किलोमीटर है। पहले तो आप सभी को दिखाता हूँ कल हमने कहाँ पे स्टे किया था। ये है होटल, देख सकते हो, और यहाँ पे एक खाली रूम है। यहाँ पर ये दोनों भाई देख सकते हैं टेंट लगा के सो गया था। हमारा जो साइकिल है, साइकिल भी ये रूम का अंदर ही रख दिया था। ऐसा कुछ है, रात को थोड़ा सा गर्मी था उसका वजह से टेंट का ऊपर वाला हिस्सा हमने लगाया नहीं। तो अभी जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। जीतू भाई लेके आ चुका है चाय। गुड मॉर्निंग जीतू भाई। ओ वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। बड़ा मज़ा आया यहाँ पर। मतलब रात थोड़ी सी परेशानी हुई पर फिर जगह अच्छी मिली, भाई लोग भी अच्छे हैं। हाँ, उनके मतलब चाचेता हूँ भाई बंधु आपस में, जो ढाबा आगे था ना उनमें से। यहाँ पे क्या लगा, सुकून है ना, थोड़ा शांति सुकून। वहाँ पर अभी तक हमें उठ के भागना पड़ता, अब हम यहाँ आराम से वीडियो एडिट कर पाएंगे ना। रात को आपको पता है कितना टाइम हो गया था वीडियो एडिट हुई नहीं, सोना भी होता है ना। सही है, शांति बढ़ी है। रात में उठा हुआ टिक 4-5 बजे बाहर आया है। मैंने सोचा बाहर निकलूँ ना निकलूँ, कभी बाहर शेर में बैठा हो अंधेरा रहता ना। मैं बाहर हूँ, बाहर शेर बैठा हो क्योंकि भाई लोग बोल रहे थे ना इधर भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम करके गया मैं बाहर हिम्मत से भर के। ठीक है, चाय भी पी लेता हूँ अभी बढ़िया से, फिर वीडियो एडिट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो गाइस अभी वीडियो एडिटिंग और अपलोडिंग का काम हो चुका है, अभी जल्दी जल्दी टेंट क्लोज करता हूँ फिर मिलता हूँ। चलिए अभी 10:15 का समय हो चुका है और दोनों भाई का पैकिंग हो चुका है। अभी सोच रहा हूँ कि सामने जो होटल है यहाँ पर ही खाना खा के आगे के सफ़र में निकल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे खाने के लिए पूछने गया था लेकिन यहाँ पे बोला कि और आधा घंटा या एक घंटा लग जाएगा, 11 बजे का बाद ही खाना यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो हम सोच रहे हो कि आगे चला जाता हूँ, आगे कहीं पर बढ़िया से खा लेंगे। आधा घंटा में करीब 8-10 किलोमीटर तो सफ़र हो जाएगा। चले जीतू भाई रेडी। सामने देखिए इतना बड़ा मटका पानी रखा हुआ है पीने वाला, अभी भरा लेता हूँ। दोनों भाई का साइकिल रेडी हो चुका है देख सकते हैं। और ये रहा होटल और सामने ये रहा अंकल जी। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। शासन 26 किलोमीटर, फाइनली अपना साइकिल का ऊपर बैठ चुका हूँ और आज का दिन का शुरुआत करता हूँ लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ऐसे रास्ते के सामने पेड़ देखने को मिलता है ना, वाह मस्त होता है। ये रहा होटल, यहाँ से हम लोग कल रात को वापस चले गए थे। अभी चलते चलते हमें एक गांव मिल चुका है। अंकल जी ये गाँव का नाम क्या है? मानपुर गांव मिल चुका है, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत गांव है ये। बाप रे बाप कितना बड़ा सिंह है। और यहां पे मंदिर भी है देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया जगह है ये गांव। सामने एक पहाड़ देखने को मिला, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और ये पूरा खेती वाला एरिया है। अभी हमें एक वाटर पार्क मिल चुका है, बाहर से तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है
दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए वाटर पार्क, वाओ मस्त है। काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं भाई, देख सकते हो, मज़ा बनाया, बहुत सुंदर। बहुत सारा गाड़ी है देखिए पार्किंग में, बहुत लोग आते होंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे जीतो भाई का साइकिल में हवा डाल रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। और अभी हम पहुँचे हैं नानी खोड़ियार, ये गांव का नाम है। और पीछे शायद शादी हो रहा है, पूरा पटाखा फट रहा है, फुटा रहा है, इंजॉय कर रहा है। थोड़ा थोड़ा डाल लेता हूँ, हो जाएगा। हाँ तो अभी साइकिल में हवा डाल लिया और इस तरह पे भैया जी बोला है कि नींबू पानी पी के जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। और ये क्या हो रहा है अभी, ये जो रैली? अच्छा अच्छा सही है, मैंने शादी बोल दिया था, माफ़ करना। तो भाई यहाँ का गर्मी थोड़ा अलग है, मैंने बोला ना पूरा पसीना हो गया, उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है लेकिन पूरा पसीना हो गया भाई, पूरा पटाखा फटा रहा है उधर। साइकिल में हवा भी डाल लिया और भैया जी ने नींबू पानी पिला दिया, काफ़ी बढ़िया लगा। और भैया जी को धन्यवाद बोल के अभी दोबारा से निकल के आ चुका हूँ। और एक्चुअली गर्मी में मेरा पसीना ज़्यादा नहीं निकलता है, यहाँ का गर्मी क्या है, पूरा पसीना निकल रहा है आज मेरा। कोई नहीं, चलिए धीरे धीरे से एडजस्ट हो जाएगा। और रास्ता और रास्ते के सामने जो ये पेड़ है बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, और साइकिल चलाते हुए भी अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हो जाता है जैसे पेड़ों का नीचे आता हो ना, तो वजह से। और यहाँ पे एक मंदिर भी है देख सकते हो, अंतिम धाम आश्रम है। कल हमने सोचा था आगे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, जंगल एरिया मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दुकान उकान है, लोगों का घर भी है। एक्चुअली यहाँ पे ना आम का बगान होता है और वही बगान से आम तोड़ के लाके मतलब ऐसे दुकान में सेल करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया फ्रेश फ्रेश मिलता है, जो आम का रस होता है खा के बहुत ही मस्त लगता है, मतलब कुछ भी मिक्स किया नहीं जाता है। और यहाँ पे देखिए ये छोटा छोटा बोतल है, उसका अंदर भी आम का रस डाल के सेल करता है। ये 200 रुपया भैया जी, ये 200 रुपया ना बोतल, कितना? 500 रुपया। अच्छा अच्छा ये एक एक बोतल 500 रुपया भाई। और यहाँ पे अभी हाँ केरी का 120 रुपया, हाँ दो किलो है, ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक नेचुरल है। और इस साइड में देखिए खेती भी करके रखा है और बीच बीच में आम का पेड़ भी लगा के रखा है, आम का बाग। सामने ये देखिए छोटा सा एक पहाड़ है और यहाँ से पूरा जंगल वाला एरिया शुरू होने लगा है, देख सकते हो धीरे धीरे। सासन यहाँ से 20 किलोमीटर दिखा रहे हैं, फिर लायन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए। अभी का रास्ता दिखेगा इस दोनों तरफ पूरा जंगल वाला एरिया है, जंगल के बीच में से देखिए रास्ता बना हुआ है, गाड़ी आना जाना करता है, शायद अंदर गांव वगैरह होगा, लेकिन पूरा जंगली एरिया है देख सकते भाई, कितना घना जंगल है देखिए। और हमें घना जंगल वाला एरिया मिल चुका है, इस तरफ भी पूरा घना जंगल है। और ये जो एरिया है आप लोगों को पता होगा, एशियाटिक लायन यहाँ पे निकलता है भाई, तो बहुत संभल संभल के जाने पड़ रहा है, देखता हूँ देखने से दिखा दूँगा। और अभी ना हम पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं, ज़्यादा ऊंचा पहाड़ तो नहीं है, छोटा सा पहाड़ है, लेकिन दोनों तरफ पूरा जंगल वाला घना जंगल एरिया है। मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हो, अभी क्रॉस करके आया हूँ घना जंगल। और सामने का जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत नज़ारा है,
वो भी दिखा दो आप लोगों को। ये देखिए सामने का नज़ारा इतना खूबसूरत है। वहाँ पे एक झील बना हुआ है, पानी जमा है वहाँ पे। वो झील में देखिए मगरमच्छ निकलता होगा, यह हुआ है घड़ियाल, क्रोकोडाइल। सामने से एक्चुअली हवा चल रहा है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं वाहन का जो गति है वो कम करने बोला। यहाँ पे शेर आना जाना करता है रास्ते के बीच में से, देख सकते हो। जीवन में पहली बार मैं ऐसा जगह से क्रॉस कर रहा हूँ जहाँ से ओपन मतलब पूरा शेर निकलते हैं भाई। चलिए अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता हूँ। सामने देखिए डियर, ओ भाई हरिन देखने को मिला था, भाग गया अभी। ओ माय गॉड, डियर देखने को मिला, अच्छा लगा। चलिए देखते आगे और क्या क्या मिलेगा, दिखाते हैं। अभी जंगल का एरिया क्रॉस करके आ चुका हूँ और सामने देखिए ये रिजॉर्ट बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है। सासन यहाँ से और 18 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ पे भी देखिए आम का जो रस इसे दुकानों पे बिक्री करता है। सासन 17 किलोमीटर है यहाँ से, और कभी कभी थोड़ा थोड़ा पहाड़ एरिया आ जाता है, थोड़ा सा चराई था, अभी उठ के आया हूँ पहाड़। और अभी यहाँ से डाउन है रास्ता, और जंगल तो काफ़ी बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा ग्रीनरी कम है अभी का टाइम में। शायद बारिश का टाइम में पूरा ग्रीनरी होता होगा। और आम का बगान भी देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और सामने का देखिए खूबसूरत नज़ारा, वाओ। अभी हमें और एक गांव मिल चुका है, इस तरफ देखिए बहुत सारे बकरियां है और यहाँ पे गौशाला जैसे बना हुआ है, देख सकते हैं। सामने देखिए भैया जो है कच्चा आम, वो छोटा छोटा आम बिक्री कर रहे हैं, कच्चा आम। ये बगान है आम का, सामने तोड़ के लाता है। और अभी फिर शायद जंगल वाला एरिया मिल चुका है, हमें मिलने वाला है। सामने देख सकते हो पूरा जंगल एरिया है। रास्ता जो है हमें अप डाउन रास्ता मिल रहा है, और साइकिल तो मैं चला रहा हूँ लेकिन मेरा जो नज़रें है वो जंगलों पे है। देख रहा हूँ कई शेरों देखने को मिल जाए, शायद गर्मी में नहीं निकलता होगा क्या। और कोई कोई लोग तो बोलते हैं कि अभी उतना नहीं निकलते, पहले बहुत निकलता था ये जो शेर, और बोलता है कि लक होने से देखने को मिलता है, शाम को रात को ज़्यादा निकलता है। दिन में शायद आराम करता होगा, और गर्मी है ना कहाँ निकलेगा। एरिया देख सकते हो मेरे पीछे, पूरा पत्थर है, पेड़ है। यहाँ से शायद गांव जाता होगा क्या, गांव का नाम लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये रास्ता से 2 किलोमीटर अंदर, बारिश का टाइम में यहाँ से पानी आता होगा शायद, अभी तो पानी सूख गया है। लेकिन जंगलों के बीच में भी देखिए हमें ये आम का बगान देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ है आम का बगान।
भाई बहुत ही खतरनाक वाला गर्मी लगने लगा है, ऐसा लगने लगा पूरा जलने वाला हो भाई। और दोनों तरफ तो पूरा जंगल एरिया है, सूखा सूखा पेड़ है। तो और 13 किलोमीटर है शासन, वहाँ पे कुछ खाएंगे, भूख भी लगा है, सुबह कुछ खा के नहीं आया ना। और रास्ता जो है चराई मिल रहे हैं, तो मेहनत लग रही है भाई, खाली पेट साइकिल चलाना, ओह माय गॉड, ऊपर से इतना गर्मी। कोई नहीं, चलिए धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो सामने देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और ये मस्त वाला गेट बना हुआ है, लायन है ऊपर में, चिड़िया है, मंकी है, डियर है, इस तरफ ये शेर है, बहुत कुछ है देखने के लिए। अभी घर से फ़ोन आया था, एक्चुअली आज बिहू है ना, तो उसके वजह से मम्मी ने फ़ोन किया था। घर से अच्छा से बात भी नहीं हो पाया मम्मी से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। आप लोगों को पता ही है पूरा जंगल एरिया है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। कोई नहीं, बाद में जैसे नेटवर्क जोन में पहुँचेगा फिर घर में फ़ोन करके बात कर लूँगा। चलिए, और 11 किलोमीटर शासन दिखा रहा है, वहाँ पे शायद हमें कुछ खाने को मिल जाएगा, वहाँ पर खाएंगे। अभी हमें हरिन दिखने को मिला, वहाँ पे है अंदर, वहाँ चला गया। कलर एक जैसे है ना, पता नहीं लगता, वो दिखे जा रहा है वहाँ पे, वो दिखे, हाँ यहाँ पे ये रहा का, ये दिखे जा रहा है धीरे धीरे करके, वहाँ पे एक जैसा कलर है। रास्ता जो है पहले से और छोटा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं बहुत छोटा रास्ता हो गया है। शासन गिर 9 किलोमीटर यहाँ से, देख सकते हैं जंगल, लेकिन काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ऐसा जंगल पहली बार देख रहा हूँ मैं। छोटा छोटा पेड़ है, हरा भरा जंगल नहीं है, सूखा भरा हुआ जंगल है, लेकिन अभी तक तो शेर देखने को नहीं मिला, हरिन देखने को मिला हमें। अभी चल ही रहा था, रास्ते में एक अंकल से दिखाए जंगल में गाय और भैंस चराते हुए, तो सामने जा रहा हूँ, अभी बात करता हूँ अंकल जी से। और वहाँ पे एक पानी का टांका बना हुआ है, कुआं जैसा, वहाँ पे भैंस है उस तरफ, और यहाँ पे देखिए गाय बैल यहाँ पे रखा हुआ है। राम राम, केम छो, बढ़िया, मजा माँ, हाँ जतरा, सोमनाथ जा रहा है, यहाँ पे शेर निकलता है रात को, आवे रात को, रात को, अच्छा दिन में नहीं आता है ना, ऐसा वो सा हो, कहीं कोई हो रहा तड़को पड़े ना, अच्छा अच्छा, तेज भाई सब दो समझ में नहीं आया, तो बेस जना सब दो दो, हम लोग दो जने, हाँ ये कच्चा आम ना, हाँ कच्चा आम देखिए, अभी नहीं नहीं बस अंकल जी यहाँ पे अभी लंच करेंगे, रोटी वोटी लेके आया, बढ़िया है। ये पानी का टंका दिखा देता हूँ, टाका, चलिए। जंगलों के बीच में देखिए बना हुआ है, हाँ ठीक है, फिलहाल पानी है इसके अंदर, हाँ पानी मोटर चल रही है। अच्छा चलिए, ये देखिए ये टीना है, इससे पानी निकलते रस्सी के द्वारा, और अभी आपको अंदर दिखाता हूँ। हाँ पानी है, मोटर लगा हुआ है, मोटर से पानी निकलता है। चलिए अभी चलता हूँ आगे के सफ़र करता हूँ, रात को निकलते हैं यहाँ पे शेर, दिन को नहीं, अंकल जी भी बोल रहे हैं। ठीक है, राम राम, राम राम।
धन्यवाद। अभी पानी पी रहा हूँ, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। ससनगिर से पहले हमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत बाग देखने को मिला, आम का बाग। तो अभी हम पहुंच गए हैं सूरजगढ़, ये गांव का नाम है। सराउंडिंग ऐसा कुछ है, घर वगैरह यहाँ का देख सकते हो, काफ़ी पुराना पुराना घर है ये, देख के लग रहा है। ये देखिए अंदर जाता है ये रास्ता गांव के अंदर, ये देखिए सूरजगढ़ लिखा हुआ है। यहाँ पे एक दुकान है, कुछ टाइम आराम करता हूँ, चलो। हाँ चलिए, साइकिल को छाया में रखता हूँ, हवा चला जाता है ना, छाया में रख देता हूँ। तो अभी यहाँ पे साइकिल रख दिया हूँ, लगातार करीब कितना 10 किलोमीटर जैसे चला लिया हूँ। हाँ 8-10 किलोमीटर जंगल एरिया था बीच में, तो अभी यहाँ पे एक दुकान मिला है, यहाँ पे पानी नहीं पीता हूँ, आराम करता हूँ। यहाँ पे चाय तो नहीं मिला हमने, ये हलरी जीरा ये ले लिया हूँ, अभी इसे पीता हूँ। चलिए हाँ, तो जमान वहाँ पे दे जाना, पैसा नहीं लेता। हाँ जय बोल भाई, हाँ सूरजगढ़ जो दुबा है आगड़ी न्याज मोकलो। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? जय। जय भैया जी। ओके, ससनगिर से है ना? ओ बहुत अच्छा लगा भैया। यहाँ पे देखिए ससनगिर में जंगल सफारी के लिए ऐसा गाड़ी में घुमाने के लिए चलते हैं। देखिए मस्त गाड़ी है, पूरा घुमाते है। ये जो एरिया है ना नेशनल पार्क, 3200। अच्छा ऑनलाइन कराना पड़ता है, आएंगे नेक्स्ट टाइम ना। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद अभी दोबारा से निकल के आ चुका हूँ। ये सराउंडिंग बहुत ही खूबसूरत देख सकते हो, छोटे छोटे आम का ये बगान है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब सासान यहाँ से और 7 किलोमीटर है। तो अभी चलते हैं, भैया जी ने जो होटल बुलाए वहाँ पर ही चल के आज का लंच करता हूँ। और भैया जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दोपहर का 1 बजने वाला है, अचानक से अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हो चुका है, लेकिन दोबारा से फिर धूप निकल जाएगा, पता है ऐसा मौसम रहने से कितना मस्त लगता है भाई। गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल होता है साइकिल चलाना। और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं सासन नेशनल पार्क देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शेर देखने को मिलता है भाई, एशियनटिक शेर, लायन, बब्बर शेर ओपनली घूमते रहता है, रात को तो यहाँ निकलते ही है डेली। जय खोडियर, फाइनली होटल में पहुँच गया हूँ जहाँ पे भैया जी ने फ़ोन किए थे खाने के लिए, ये रहा सामने। चलिए अभी चलते हैं और लंच करते हैं। यहाँ आ चुका है दोपहर का लंच, और लंच में क्या क्या है आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरफ देख सकते हो सलाद है, हाँ ठीक है, रोटी भी गर्मा गर्म रोटी आ चुका है। ये क्या है भैया? गुड़। गुड़, अच्छा अच्छा गुड़ दिया है, गुड़ है साथ में, ये कच्चा जो आम है आम का अचार बोल सकते हो। और यहाँ पर राइस है, और ये तो कॉमन है सेव टमाटर, और इस तरफ है आपका आलू का सब्जी, सब्जी दाल साथ में मोटी चने की दाल, चना का दाल है तो ठीक है, साथ में लस्सी भी है। अभी दोपहर का 1:30 बज चुका है और बढ़िया से खाना पीना हो चुका है। एक्चुअली गर्मी के वजह से अच्छा से पेट भर गए, खाना नहीं खाया, मतलब भूख तो लगता है लेकिन खाने का मन नहीं जाता है। लेकिन जो लस्सी है ना, लस्सी करीब 2-3 गिलास पी लिया, पूरा ठंडा लग गया। रोटी एक खाया और ज़्यादा राइस खाया। तो अभी चलता हूँ, सफ़र जो है यहाँ से सोमनाथ का और 46 किलोमीटर है, शाम तक आराम से पहुँच जाएंगे। और तालाली है ना, तालाली ऐसे, तालाली ऐसे जगह है,
वहाँ तक हमें ये जंगल वाला एरिया मिलेगा, फिर उसका बाद ख़त्म हो गया हो जाएगा ये गिर नेशनल पार्क। चलिए चलता हूँ अभी। दोपहर का टाइम है, खाना खाने का बाद रेस्ट करने का बहुत ही मन था, लेकिन सफ़र जो है बहुत है, तो आराम आराम से चलते रहेंगे, कोई नहीं। चलिए आम का बगान बहुत देखने को मिल रहा है। कच्चा आम बिक्री करता है ऐसा, देखिए गर्मी में ऐसा कच्चा आम खा के बहुत ही टेस्टी लगता है, पूरा नमक मिर्चा डाल के भाई पूरा टेस्टी होता है। छाया जगह में बैठो, पूरा एंजॉय करो। सासन 5 किलोमीटर है सीधा। भाई पानी बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, अभी पानी पी के निकला ही था। ओह, और एक्चुअली यहाँ पे 2-3 बजे खतरनाक वाला गर्मी हो जाता है, पानी का प्यास नहीं मिट रहा है आगे कहीं पे, पीने पड़ेगा। पीछे लिखा हुआ था सासन 4 किलोमीटर, और यहाँ पे ये बैरिकेड लगाया हुआ है देख सकते हो, और ये एरिया में आपको होटल ढाबा बहुत सारा है देख सकते हो, रेस्टोरेंट रिजॉर्ट भी है काफ़ी बड़ा बड़ा यहाँ पे, वो देखिए सामने रिजॉर्ट, काफ़ी बढ़िया बढ़िया रिजॉर्ट बना कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, लायन देखने के लिए, जीप सफारी होते हैं जंगलों में। हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे, अच्छा से घूमेंगे, जीप सफारी पूरा जंगल के अंदर जाएंगे। ये देखिए रिजॉर्ट, कितना मस्त मस्त रिजॉर्ट बने हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी पुराना पुराना जो जीप होता है वो देखने को मिला। ये देखिए सामने लायन जीप सफारी वो सामने, और एक है सामने जो आपको ये गांव दिखाई दे रहा है, ये गांव का नाम है फलछेल, सराउंडिंग ऐसा कुछ है यहाँ का। पानी पीने पड़ेगा अभी, यहाँ पे बहुत प्यास लग रहा है। तो भाई जैसा वो कंचे वाला था ना जिसमें एक कंचा लगा होता है, हमारे उधर भी होता है, इधर कुछ ऐसा है पर ये प्लास्टिक का है। तो ओ भाई ऐसे उधर तो क्या बोलता था वो गैस 100% वाला लेमन वाला सिस्टम है, तो वो वाले इधर भी मिलते हैं भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, हमने सोचा टेस्ट कर ले, वैसे भी इधर का है ना लोकल, टेस्ट करना बनता है भाई। टेस्ट कैसा है? जैसे उधर हमारे खारा होता ना, बस गैस है और कुछ नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, गर्मी में सही रहेगा। ठीक है अभी मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, ये देख करके पानी है गैस है बस खारा है, जैसे कोई टेस्ट नहीं है ना पूरा गैस भरा हुआ है। चलो वहाँ बैठते तो फिर आराम करते, गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं खाएगा है, टेस्ट नहीं है ना, घर से कौन होगा। पानी पीता हूँ तो भाई, अभी पानी उन्हें पी लिया हो, एक्चुअली पानी जितना ज़्यादा पी रहा उतना पीने का मन जा रहा है गर्मी की वजह से, तो चलता हूँ अभी दोबारा से, रास्ता सीधा है। नीचे एक नदी देखने को मिला देख सकते हैं, ये रहा, और वो पूरा गिर नेशनल पार्क जंगल एरिया देख सकते हो। अब
अभी दोपहर का 2 बज चुका है और फाइनली ससनगिर पहुंच गया हो। और इतना ज़्यादा गर्मी है, पानी बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, साइकिल चलाने का मन ही नहीं जा रहा है। सोच रहा हूँ कहाँ पे आराम कर लूँ क्या, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है तो जाने पड़ेगा। ऐसा कुछ दिखता है ससनगिर का एरिया। यहाँ पे ये जीप बहुत सारा है, जीप सफारी होते हैं ना नेशनल पार्क में, ससनगिर नेशनल पार्क। ये पूरा मार्केट एरिया है ससनगिर का, मार्केट एरिया ऑफ ससनगिर। और यहाँ पे कुछ बना हुआ है पार्क जैसा, देख सकते हो सीन सदन लिखा हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काफ़ी बढ़िया है अंदर, ये सीधा जाता है अंदर नेशनल पार्क की तरफ, गिर नेशनल कैंपस लिखा हुआ था। भाई गर्मी में कुछ अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई साहब। ओ भाई यहाँ तो रेलवे लाइन भी है यार, इतना पहाड़ का अंदर रेलवे क्रॉसिंग। जीतू भाई ये देखिए, न्यू फॉरेस्ट कॉलोनी। और अभी जो आपको ट्रेन का लाइन दिखाया वो ससनगिर जंगलों के बीच में होते हुए जाता है, काफ़ी बढ़िया जीव जंतु को देखने को मिलता है। और यहाँ से देख सकते हो सब कुछ लिखा हुआ है। ये रहा मेन गेट गिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, देख सकते हैं। और यहाँ पे ना ये साइड हेलीपैड है, देख सकते हो हेलीपैड बना हुआ है। हाँ कोई कोई लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ पे आते हैं गिर नेशनल पार्क देखने के लिए। यहाँ से सोमनाथ और 40 किलोमीटर है, चलिए धीरे धीरे करके चलते रहता हूँ। पूरा जंगल एरिया है। एक्चुअली पेट तो फुल है फिर भी पानी का प्याज बुझ नहीं रहा है, तो ये गन्ने का रस पी लेता हूँ भाई। बस अभी शाम का 4 बज चुका है और कोशिश तो पूरा किया था आज आगे चलने का, लेकिन हो नहीं पाया, इतना ज़्यादा थक गया था ना और बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो उसका वजह से यहाँ पर दिखा था आप लोगों को एक मंजा मिल गया था, तो कुछ टाइम यहाँ पर ही दोनों भाई आराम कर लिया था। हाँ एक एक कप चाय पी लेता हूँ, फिर थोड़ा सा जोश आएगा शरीर में, फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। भाई सच में बहुत ज़्यादा गर्मी था आज का, भाई गर्मी कुछ अलग होता है यहाँ का, ऐसा तो बढ़ेगा। हाँ सही है, शरीर का भी ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। आराम करके और एक कप चाय पी के दोबारा से निकल के आ चुका हूँ। और पीछे से ना पूरा बादल काला होके आ रहा है, मतलब बारिश भी आ सकता है, तो जल्दी जल्दी चलता हूँ, ये जो जंगल वाला एरिया है उसे क्रॉस करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ आज। चलिए गर्मी थोड़ा सा कम हुआ है, फिर भी गर्मी है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी था, कुछ टाइम आराम कर लिया, अच्छा हुआ भाई। तो ये वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग एरिया, प्लीज ड्राइव स्लो। वाइल्ड लाइफ है, हम क्रॉस कर रहे हैं, हमारे वाहन तो बहुत ही हैवी है। अगर बारिश होगी ना
फिर सड़कों पे आ जाएंगे शेर चीते। तो ये देखने का मौका है, मिलेगा है, टाइगर है। देखने को तो मौका मिलेगा। मैं वही सुबह से देख रहा हूँ, रास्ता में कम देखता हूँ, साइड में ज़्यादा देखता हूँ, शायद एक मिल जाए देखने के लिए। नहीं लाकी नहीं है हमारा भाई, ये देखने का क्या करे, कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते रहता हूँ। भाई कितने सारे जीप है यहाँ पे देखिए एक साथ। अभी तक तो आपको आम का बागान दिखा रहा था, अभी यहाँ पे देखिए ये नारियल का बागान है भाई, कितने सारे नारियल का पेड़ है ना, यही बोले देख सकते हो पूरा नारियल का पेड़ से भरा हुआ है। और अभी जो ऑटो गया ना, इतना ज़्यादा साउंड करता है भाई साहब, बुलेट से भी ज़्यादा साउंड करता है, घर 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 घर। सामने हमें गेट मिल चुका है, ऐसा गेट सेम टू सेम पहले भी देखा था हमें, और ये दूसरा गेट है गिर नेशनल पार्क का, देख सकते हैं गेट जो है काफ़ी सुंदर गेट है। तालाला पहुंचने वाला हूँ यहाँ से, और 9 किलोमीटर है, उससे पहले देखिए ट्रेन लाइन दोबारा से देखने को मिला है, लेकिन अभी बंद है। क्या मस्त लगता होगा ये ट्रेन में सफ़र करके पूरा जंगलों के बीच में से होते हुए, वाह। तो अभी वहाँ पे मेरा साइकिल रख दिया, यहाँ पे जूतो भाई का साइकिल है, और यहाँ पे देखिए बाबा जी ना कच्चा कच्चा आम तोड़ के लाया है बगीचे से, और मीठा है ना का बहुत अच्छा। आम कितना रुपया किलो यहाँ पे? ये 100 रुपये किलो। ये 100 रुपया, अच्छा। और पक्का 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो, अच्छा। और सामने जो नदी है वो क्या नाम है नदी का? एरन नदी। एरन, एरन नदी, एरन नदी। तलाला गिर, तलाला गिर, अच्छा। सासन गिर, सासन गिर, ओके। और सच में नदी इतना खूबसूरत है ना, अभी नदी देखने के लिए जा रहा हूँ, और हाल हल्का हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा, सामने से दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से रास्ता बना हुआ है, और ये जो नदी का पानी है ना पूरा भरा पड़ा हुआ है, बहुत कम ऐसा नदी देखा गुजरात में। रास्ता कहाँ से पता नहीं चल रहा है यार। और यहाँ पे भाई ये एरिया में हमें आम का जो बागान खेती बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यहाँ का लोग ज़्यादा मतलब आम का खेती में वो करता है, बिजनेस करता है। फाइनली पहुँच गया नदी के सामने, कैसा है नदी है? बढ़िया। ओ भाई सही है, बहुत ही बढ़िया नदी है भाई, देख सकते हो पानी जो है ना वहाँ पे, पशु सामने है नदी के, काफ़ी मस्त नदी है। हाँ वहाँ पे ना वो देखिए चिड़िया भी है, अभी तो दिखाई नहीं देगा, चिड़िया है बहुत सारा, मस्त है भाई, पूरा घास है। पानी देखिए इतना गहरा पानी है, देखिए कितना भाई, चलिए मस्त लगा। चलिए अबे चलता हूँ वापस। तो अभी बाबा जी हमें ये कच्चा जो आम है वो दिया है, सही है, टेस्टी भाई। ससनगिर में जंगल में ये जो एरिया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा आम का बगान देखने को मिलेगा सोचा नहीं था, मैं पहले देखा था यूपी में ऐसा, देखिए जहाँ तक नज़र जा रहा पूरा आम का बगान, काफ़ी अच्छा लगता है देख के। और यहाँ पे अभी देखने को मिला ससन, ये रही नेशनल पार्क ये एरिया में, काफ़ी मस्त है भाई। और रहा नदी देख सकते हो। तो भाई अभी दोबारा से यहाँ पे साइकिल रख दिया हूँ, और यहाँ से नदी का कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला है, तो उसके वजह से दिखा देता हूँ। चलिए ये ना ऐसा बांध जैसा बना के रखा है, और लोग जो है यहाँ पे नहा रहा है,
काफी का मौसम होता था ना, काफी खूबसूरत दिख रहा है, देख सकते हो। हेलो, देखिए कितना मस्त नहा रहा है। हेलो, वाह बढ़िया है, पूरा फुल एंजॉय कर रहा है। वाह, वहाँ पर भी लोग है, देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे लोग है नहा रहे, वो देखो एंजॉय कर रहे हैं पूरा फुल एंजॉय। अभी शाम का 5 बजने वाला है और तालाला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 1-2 किलोमीटर, फिर उसका बाद तालाला से सोमनाथ करीब 25 किलोमीटर जैसा होगा ना, 25 किलोमीटर जैसा होगा। और देखता हूँ, कोशिश करेंगे सोमनाथ तक पहुँचने के लिए, जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए, और अभी यहाँ पे कुछ टाइम बैठता हूँ, आराम करता हूँ। वो भाई इस तरफ देखिए, फेस पूरा दौड़ दौड़ के जा रहा है। अभी 5:30 का समय हो चुका है और दोनों भाई ने डिसाइड किया है कि 7 बजे तक हम लोग साइकिल चलाएंगे। अगर सोमनाथ पहुँच गया तो सही है, अगर नहीं पहुँचा तो फिर कहीं पे टेंट लगा के स्टे कर लेंगे। चलिए, सोमनाथ यहाँ से 28 किलोमीटर दिखा रहा है। तो फाइनली तालाला पहुँच गया हो, ऐसा कुछ है सराउंडिंग तालाला का एरिया। आगे एक सर्कल मिलेगा चौराहे, वो दिखाएंगे बढ़िया से। चलिए, अभी मेन चौराहे पे पहुंच गया हो तालाला का। यहाँ पे ये बस भी चलता है, देख सकते हैं। और यहाँ से लेफ्ट साइड ऊना जाता है और जामभाड़ा, यहाँ से लेफ्ट चला जाता है सीधा सोमनाथ, तो हमें सीधा जाने पड़ेगा। और ये देखिए अफ्रीकन जो लेडी है ना, अफ्रीकन यहाँ पे जामभाड़ा में रहता है अफ्रीकन लोग, अभी मार्केट में देखने को मिला ये लेडीज़, पूरा अफ्रीकन गांव बसा हुआ है वहाँ पे जामभाड़ा में। भाई तालाला बहुत ही बड़ा एरिया है, और इस तरह देखिए सूखा लाल मिर्च, रेड चिल्ली, ये रहा देखिए, काफ़ी देखने को मिला यहाँ पे, शायद इसका भी खेती होता होगा यहाँ। और अभी रास्ता थोड़ा सा अच्छा मिल चुका है, तो थोड़ा सा अभी दबा के चलता हूँ, खींच कर चलता हूँ। चलिए, तालाला सिटी से अभी बाहर निकल के आ चुका हूँ। भाई जंगल एरिया तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये जो बागान है ना, आम का बाग, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा देखने को मिला आज, दिल खुश हो गया भाई सच्ची। शाम का अभी 6 बजने वाला है और सच में इतना खूबसूरत जगह से होते हुए जा रहा हूँ ना, पूरा नेचुरल ब्यूटी, पूरा ग्रीनरी, लाजवाब, अच्छा लग रहा है। अभी घुंसिया जगह का नाम है, घुंसिया पहुँच गया हो, और सराउंडिंग ऐसा कुछ है यहाँ का, देख सकते हो। 6 बजने वाला है, अभी शाम का 6:15 हो चुका है, और यहाँ से सोमनाथ 20 किलोमीटर है। और पीछे एक भैया मिले थे, बोला कि आगे होटल तो नहीं मिलेगा, ऐसा बोला। देखता हूँ, अगर होटल नहीं मिलेगा तो हम शायद सोमनाथ तक ही पहुँचने का कोशिश करते। चलिए, कैसे भैया, बढ़िया। हिरन नदी का नाम लिखा हुआ है, अभी मैप में देखा है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। देखिए पानी जो है, इस तरफ भी देख सकते हैं, नारियल का पेड़ दिखे उस तरफ, कितना खूबसूरत दिख रहा है। शाम का टाइम है भाई, बहुत ही मस्त लग रहा है साइकिल चला के, ठंडा ठंडा हवा और जो ग्रीनरी
और ये नारियल का पेड़, आम का बगान, और इस तरफ पूरा खेती वाला एरिया देखते हुए जा रहा हूँ, दिल बाग बाग हो गया भाई। ये एरिया में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, क्या खूबसूरत दिख रहा है भाई सच में। और जो सनसेट है ना, ओशम। सात बजने वाला है और 10 मिनट बाकी है। खूबसूरत सा सनसेट का व्यू। क्या नाम है? रितेश मिश्रा। सोमनाथ से? नहीं, मैं सूत्रापाल। साइड में 15 किलोमीटर दूर है वहाँ। अच्छा, काफी बढ़िया लगा। मैं समझ गया, मैं अपने को फैमिली से वही है, पता लग जाता, खुशी से पता लग जाता है। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा मिलके। तो अभी सोमनाथ कितने किलोमीटर रह गया? 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। मैं सोच रहा हूँ 5-6 किलोमीटर आएगा। कोई ना, पहुँच जाएंगे। चलो आगे खाना खाते। ओके, कोई नहीं, चलो ठीक है, आगे मिलते हैं। जरूर जरूर, मिलने ही आया। अच्छा अच्छा, काफ़ी बढ़िया लगा। चलिए, सीधा जो रास्ता है वो जाता है बेराबल, बेराबल ना, हाँ बेराबल जाता है। और अभी हमें यहाँ से हाईवे होके लेफ्ट साइड जाना है सोमनाथ की तरफ। चलिए पहुँचता हूँ। वह नारियल का पेड़ देखिए कितने सारे हैं। और फाइनली काफ़ी दिनों के बाद नेशनल हाईवे 51 पर पहुँच चुका हूँ। ये रहा नेशनल हाईवे, और ये सीधा हाईवे चला जाएगा दीव, फिर भावनगर। आज सोचा नहीं था पहुंच जाऊंगा करके सोमनाथ, लेकिन फाइनली पहुंच ही गया। यहां से और ज़्यादा नहीं, 5-6 किलोमीटर होगा। देखते देखते अंधेरा हो चुका है, शाम का अभी 7:30 बज चुका है। पहले चलता हूँ होटल रूम में, फिर फ्रेश होके आप लोगों से मिलता हूँ। चलिए, U83 लेफ्ट साइड भावनगर, 264 लेफ्ट साइड राइट साइड सोमनाथ, 2 किलोमीटर भाई। रात को काफ़ी मस्त लग रहा है, देख सकते हैं ये जितना भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, बड़ा बड़ा होटल है ये। अभी 8 बजने वाला है और 20 मिनट बाकी है। मेन हाईवे से हम लोग सोमनाथ की तरफ अंदर आ चुके हैं। श्री सोमनाथ ट्रस्ट वेलकम यू, श्री राम मंदिर। और आप सभी को भी स्वागत है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर। तो अभी रात का 8:20 का समय हो चुका है, और फाइनली हमें इतना मस्त वाला रूम मिल चुका है। देख सकते हैं, पहले रूम दिखे, काफ़ी बढ़िया रूम है। और एक्चुअली ये ट्रस्ट, जो सोमनाथ ट्रस्ट है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो ठीक है, अभी जल्दी से फ्रेश वगैरह होता हो, और जो हमारा फैमिली मेम्बर है सर जी और मैडम जी, वो नीचे रुका हुआ है, और उनसे मिलता हूँ, बातें वातें करता हूँ। और जो ये जो होटल है, मतलब रूम है, वो उसका जो पेमेंट है वो सर जी ने किया है। तो हमने तो बहुत कोशिश किया था, फिर भी बोला कि आप लोग हमारे गेस्ट हो तो इतना तो बनता है। तो सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी चलता हूँ फ्रेश होके, सर जी के साथ ही आज एक साथ डिनर करेंगे, तो मिलता हूँ। चलिए फ्रेश होके जल्दी से। तो गाइस, अभी बढ़िया से दोनों भाई नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और अभी चलता हूँ नीचे। नीचे जगह सर रुका हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया। मेन बात हुई, समस्या ये फिर अगर नेचर ना मिले ना, तो फिर वो सफर ना, वो एक मतलब वजन सा लगने लग जाता है। हाँ, पीछा छूटे। मेरे साथ हुआ है बहुत। हाँ, होता है, अगर मतलब साथ का मिल जाए अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लंबा चलने पड़ता है ना, सब कुछ डिपेंड करता है। एक को ये करना है, दूसरे को ये करना है, वो उसमें इसमें नहीं मजा आता। सफर ऐसी चीज है, इसमें हर टाइम मोटिवेट रहना चाहिए, मोटिवेट रहना पड़ता है, और अकेला भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा लोग होंगे तो भी ज्यादा भी समस्या, मतलब एक भी गलत है, 3 भी गलत है, 2 ठीक है। द ग्रैंड डक्स अभी पहुंच गया हो सर लोगों के साथ, और यहाँ सामने देखिए हर हर महादेव। चलिए अभी अंदर चलता हूँ।
काफ़ी बढ़िया ये रेस्टोरेंट है। तभी रात का 10:30 का समय हो चुका है। पहले तो मैं सर जी से मिलाना चाहता हूँ। सर जी नमस्कार। और क्या नाम है सर जी आपका? नित्य मिश्रा है सर जी। और इस तरफ है मैम जी नमस्कार, कैसी हो आप? बढ़िया। और आज का दोस्त शाम है, रितू भाई भी है। और आज का जो शाम है सर लोग का साथ और मैम का साथ काफ़ी बढ़िया था और यादगार रहेगा हमेशा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सर लोगों के साथ। तो ठीक है, अभी सर लोग आपका घर यहाँ से कितना दूर है? 15 किलोमीटर फिर अभी जाएंगे। तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा थक गया है, तो अभी जाके रूम में आराम करके। तो सर और मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी का साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय हम, बाय बाय।